के किरदार से सभी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक उसका जो किरदार है काफ़ी एक वनरेबल लड़की है, जो कि एक अलग सा फसाद करके रखती है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप की, जबकि वो चाहती है अंदर से कि उसे कोई ऐसा लड़का मिले जिसके साथ वो टाइम पास ना करे। तो वो जो एक टिपिकल लड़कियाँ होती हैं जो जो चाहती हैं वो नहीं कहती हैं, उसे उल्टा कहती हैं, वो उसका वो है आई थिंक वो चीज़, वो उसका जो कैरेक्टर है वो चीज़ों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करता है फिल्म में, और आई थिंक और स्क्रीन प्ले में भी एक काफ़ी एक्टिव पार्ट जो है वो प्ले करता है। तो मैडी के लिए हमेशा ही ये चीज़ों को समझ पाना कि यार हाँ में ना है, ना में हाँ है, तो ये हमेशा हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते हैं इस चीज़ को लेके। बट वी फेयर हर लड़की ऐसी होती है, हर उसके हाँ में ना लड़की होती है, उसकी ना में हाँ होती है, यू नेवर नो। ऐसा, आई थिंक पायल कुछ ज़्यादा है, लेकिन बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हाँ ना तो ना, ऐसा तो कुछ नहीं हाँ, है। वी सी, कलिमा देखिए मेरी मेरी 13 साल से एक लंबी चौड़ी रिलेशनशिप चल रही है, एंड आई नो इट्स नेवर दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड।